चलो, लास्ट क्लास में लोग कवर कर रहे थे अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स के बारे में आप लोग सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हो। तो आज क्लास का जो टॉपिक रहेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन्स के बारे में। तो आपको पता है जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स अगर कंबाइन करेगा तो बनेगा प्रोटीन फॉर्म करता है। यानी बेसिकली प्रोटीन इज अ पॉलीमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये हम सोच सकते हैं। अब ध्यान रहा, तो प्रोटीन के बारे में हमको जो पढ़ना है, तो हमको सबसे पहले पढ़ना प्रोटीन के बारे में स्ट्रक्चर, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ध्यान दोगे। जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें उसको जो पढ़ेंगे उसका बेसिस क्या रहेगा वो ध्यान दे, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं इनसाइड के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आप देख रहा हो ध्यान से, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडी एट फोर डिफरेंट लेवल्स, एट फोर डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, ठीक है। जो हर लेवल होगा, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस वन। तो अगर हम बात इसको हम लोग तो स्ट्रक्चर को कवर करने वाले, उसमें चार लेवल है। चार लेवल क्या क्या है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्ट 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 क्वार्टरनरी, ठीक है। इसको हम लोग लेवल वाइज स्टडी करने वाले हैं। तो इसका तो प्रोटीन का कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगला लेवल होता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट होता है टर्शियरी, एक होता है क्वार्टनरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लेवल वाइज स्टडी करेंगे, उसको लेवल वाइज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको अगर आप सिंपलीफाइड में सोचो, तो इसको आप देख रहे हैं जूम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि आप किसी मतलब माइक्रोस्कोप यूज करते हो, तो चीजों को जूम करके देखते हो, ठीक है। बेसिकली जूम लेवल पे सोच सकते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका जूम लेवल हाईएस्ट होगा, मतलब हाईएस्ट जूम पे देख रहे हो, मतलब आप बहुत बहुत ज्यादा इनलार्ज वर्जन करके देखने वाले हो, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर का जूम लेवल हाईएस्ट होगा, ठीक है। जूम का लेवल कम करोगे तो क्या होगा, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी में पहुंचोगे, ठीक है। मतलब सबसे हाईएस्ट जूम किस पे होगा, प्राइमरी पे, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोला गया, तो ध्यान देना, ठीक है। आपको पता है कि अमीनो एसिड कंबाइन करेगा, अमीनो एसिड कंबाइन करेगा तो क्या बनता है, तो अमीनो एसिड कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड का कुछ सीक्वेंस होगा, अमीनो एसिड का कुछ सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। प्राइमरी एसिड में क्या होता है, इसका मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं पास अमीनो एसिड ABCD है, ए बी सी डी और मान लेते अमीनो एसिड आपके पास है,
ठीक है, तो ए बी सी डी में से कैसा अरेंज होगा, तो ए बी सी डी अरेंज हो सकता है या फिर ए सी डी भी अरेंज हो सकता है। तो ये जो 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 सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, ठीक है, उसको बोला गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी आप इतने जूम पे चले गए हो, आपका जूम लेवल इतना हाई हो चुका है कि आप अमीनो एसिड में जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो भी आप देख पा रहे हो, वो भी आप देख पा रहे हो। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको बोला गया है, तो आप प्रोटीन का एक छोटा सा सेगमेंट फोकस कर रहे हो, प्रोटीन का छोटा सा सेगमेंट फोकस कर रहे हो, और छोटा सेगमेंट में जो बना हुआ है उसमें जो अमीनो एसिड्स है उसमें ए बी सी डी से बना हुआ है, तो इस पे आप पहुंच गए हो, इन एक छोटा स्मॉल पार्ट पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो अमीनो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, इन स्मॉल प्रोटीन का स्मॉल चेन, एक प्रोटीन का स्मॉल पार्ट में आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, उसको बोला गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोला गया, उसको बोला गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एंसर में भी चेक कर लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ था ना, प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इच पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंकेज विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, जो सीक्वेंस होगा उसको बोलते हैं लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर कोई भी चेंज होगा, अगर कुछ भी आप चेंज करोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोटीन प्रोटीन चेंज कर जाएगा। अगर सीक्वेंस चेंज करोगे तो आपका प्रोटीन भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के आपको प्रोटीन के बारे में ध्यान देना। तो अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ध्यान रहा सेकेंडरी क्या बोला होगा एनसीईआरटी में। तो आपको इस बात का अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि प्रोटीन प्रोटीन चेन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइड लिंकेज होता है। तो अमाइड लिंकेज है ना, अमाइड लिंकेज जब होगा तो अमाइड लिंकेज का जो ओ है और एनएच है, तो अगर आपके पास ये होता क्या है कि ये जो ओ और एनएच है, तो दूसरे इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपका ओ और दूसरे दूसरा जो अमाइड लिंक अमाइड ग्रुप होगा उसके साथ इसमें एच बॉन्डिंग बन सकता है, उसका एच बॉन्डिंग बन सकता है। जैसे यहाँ देखो, आप दिया हुआ ध्यान से, मान लेते हैं कि जैसे मान ले यहाँ पे सी ओ है और यहाँ पे एन एच है, तो अगर मान लेते हैं चेन घूम के अगर आ गया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एन एच होगा यहाँ पे एच बॉन्ड पॉसिबल है, और यहाँ पे सी डबल होगा वो होगा तो यहाँ पे एच बॉन्ड पॉसिबल है। तो कहने की अमाइड एक अमाइड ग्रुप दूसरे अमाइड यानी एक जो पेप्टाइड बॉन्ड है दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपस में एच बॉन्डिंग से लिंक हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे आप लोग। तो अगला बोला गया आपको, चलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, ठीक है, उसको रिफर उसको किसको बुलाता है ध्यान देना। तो मान ले तेरे पास प्रोटीन का बहुत प्रोटीन का जो चेन है काफी लंबा होता है, उसका एक स्मॉल सेगमेंट को फोकस करोगे। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। यानी आपका एक लॉन्ग जो चेन है वो किस शेप में एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसका दो फॉर्म पॉसिबल है, या तो आपका लॉन्ग जो चेन है, आपका जो लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन, अब लॉन्ग चेन का मतलब समझो यहाँ पे ध्यान से, पहले आपको तो समझा देते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। अगर मान लेते हैं कि प्रोटीन का एक लंबा सा अगर चेन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो उसका स्मॉल सेगमेंट मानते हैं, इस सेगमेंट का हम बात करें, सेगमेंट का जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो
इस पे आप जूम करिए, इस पे आप जूम करोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी फॉर्म अरेंज है आपका, कौन सा अमीनो एसिड, ये हो गया प्राइमरी सीक्वेंस। अब थोड़ा सा जूम, अब जूम आउट हो मतलब पीछे आपका जूम इन मत हो, जूम आउट हो, तो आपको ए बी सी डी अब दिखेगा नहीं। अब हम वो क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे चेन का एक छोटा सेगमेंट हम ले रहे हैं, एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं, इस पूरे चेन के छोटा सेगमेंट मतलब इतना सेगमेंट उठा लिए। अभी जो सेगमेंट आपको दिख रहा है थ्री डी में कैसा रहेगा, सेगमेंट थ्री डी में किस तरह से अरेंज रहेगा, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड का जो सेगमेंट है वो थ्री डी में कैसा अरेंज हो सकता है, तो थ्री में जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान देना इसका दो टाइप होता है, तो आपको फिगर में दिखा दे रहा हूँ पहले। तो या तो ये हेलिकल शेप में होता है, यानी एक ही चेन आपस में क्या होगा हेलिक्स का फॉर्म बनाएगा, और हेलिक्स का फॉर्म क्या होगा इस तरह से आपको बन के दिख रहा है, देखो दिखा हुआ है। और एक चेन देखो ऊपर का हेलिक्स का जो ओ है वो नीचे के हेलिक्स के एच के साथ एच बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एच बॉन्डिंग बना हुआ है। तो हेलिक्स स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, तो थ्रू एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो रहा है, थ्रू एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो दो फॉर्म, एक अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स आपको दिखा दिया हम, ठीक है। इन होता है एक होता है बीटा प्लेटेड शीट, क्या आपको दिख रहा होगा, तो हेलिक्स समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलो आपको अल्फा हेलिक्स समझ में आ गया, तो इसका एक और फॉर्म होता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर यानी सेकेंड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दो पार्ट होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर होता क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में आपका एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो एच बॉन्डिंग के कारण ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एच बॉन्ड किसके बीच में होगा, तो आपका जो ओ ग्रुप है और जो एन के साथ एच लिंक है इसके साथ आपका एच बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें कौन फॉर्म क्या होता है, तो कौन फॉर्म अल्फा हेलिक्स क्या होगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान देना, उसमें क्या होता है यहाँ पे, तो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है आपका जो चेन है घूम रहा है हेलिक्स के फॉर्म में, और यहाँ पे एच बॉन्डिंग के कारण स्टेबल हो रहा है। बीटा प्लेटेड सीट में होता है क्या ध्यान देना, तो बीटा प्लेटेड सीट में आपका एक सिंगल प्लेन में आपका जो चेन है आपको दिख रहा हो यहाँ पे, आपका चेन जो सिंगल प्लेन में ही आपका सारा चेन आपस में जिगजग करके जुड़ा हुआ सारा पूरा एक सिंगल चेन में, क्या देखो एच बॉन्डिंग बना हुआ सारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एच बॉन्ड है, यहाँ पे देखो एच बॉन्ड है, यानी ये सिंगल प्लेन में है, जिसको बोला गया है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दो पार्ट हो गया, क्या क्या हो गया, चलो तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स हेलिक्स फॉर्म, और एक हो गया बीटा प्लेटेड सीट। कॉमन कौन है, तो ये कॉमन ज्यादा होता है, ठीक है, ये ज्यादा कॉमन होगा, ठीक। इसी से हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर को खत्म कर लिया, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो अब ध्यान देना इसको आप ऐसे समझ कि प्रोटीन का लंबा सा चेन था आपके पास, ये प्रोटीन का लंबा सा चेन था, ठीक है, जो हम दिखाए थे। तो ये लंबा जो चेन है यानी ये पूरा का पूरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिख रहा है ना, ये चेन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा चेन स्पेस में कैसे अरेंज होगा, यानी खुद को कैसे फोल्ड करेगा, जिसका फोल्डिंग पैटर्न है, तो जो पूरा चेन है ये खुद को या तो फोल्ड करके ऐसा बन जाएगा, ठीक है, गोल जैसा बन जाएगा, यानी स्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेगा, या फिर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। मतलब इसको ध्यान दे, पूरा चेन बेटर बेटर बोलने का मतलब ये पूरा चेन स्ट्रेट रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। इसके स्ट्रेट मतलब पूरा परफेक्ट स्ट्रेट नहीं होता है, स्प्रिंग की तरह समझो, स्प्रिंग की तरह घूमते घूमते स्ट्रेट की तरह रहेगा, ठीक है। तो इसका
ये ओवरऑल क्या होगा, या तो स्ट्रेट रहेगा, या तो स्ट्रेट रहेगा, या तो गोल जैसा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका टेस्टिस अगर गोल जैसा होगा उसको बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबुलर फॉर्म, और अगर स्ट्रेट हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रस फॉर्म। क्या बोलते हैं? फाइब्रस फॉर्म। ये हो गया फाइब्रस। तो टेस्टिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके प्रोटीन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ग्लोबुलर प्रोटीन, एक बोला गया फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। जो स्ट्रेट रहेगा, ध्यान देना, जो सिंगल चेन स्ट्रेट रहेगा उसका पैकिंग बहुत क्लोज होता है, तो क्लोज पैक होगा, डेंसिटी हाइयर होगा इसका, और ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। जो आपका जो स्फेरिकल शेप में अडॉप्ट करेगा उसका ज्यादा क्लोजली पैक नहीं हो पाता है, इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी लो होगा, तो लो डेंसिटी, ठीक है। और क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी ध्यान देना हमको है, तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाता है केराटिन। केराटिन, केराटिन कहाँ कहाँ होता था? हमारे हेयर में होता है, हमारे हेयर में होता है, हमारे नेल्स में होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन का टाइप हो गया, ये सब एक केराटिन बोलते हैं, इसका टाइप हो गया फाइब्रस। क्या हो गया? फाइब्रस, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इंसुलिन, क्या होगा? इंसुलिन, ठीक है। और क्या हो सकता है? अल्बुमिन। इंसुलिन अल्बुमिन एग्जाम्पल हो सकता है ग्लोबुलर प्रोटीन का, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल पूछता है आपसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो यहां ध्यान दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू में दिखा हुआ है, शुरू में यानी अब जब प्रोटीन जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो यही समझाया हुआ है कि प्रोटीन को दो पार्ट बांट गया है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो फाइब्रस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास है? तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा? मायोसिन एंड क्रेटिन, ठीक है। जो प्रोटीन का टेस्टिस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ही आपका फाइब्रस ग्लोबुलर को फाइब्रस एंड ग्लोबुलर फॉर्म आता है, तो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, और उसको हम लोग कवर कर लिए हैं, टेस्टिस स्ट्रक्चर में कवर कर लिए हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा जी? तो इसका एग्जांपल होगा इंसुलिन अल्बुमिन, ठीक है। तो एग्जांपल आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्म को हम कवर किस में कर लिए, तो इसको हम लोग कवर कर चुके इसमें ही, यानी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन किस से अरेंज होता है उस तरह आपको बता दिया गया, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना, द मेन फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन फोर्स विच स्टेबलाइजेज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड लिंकेज, और मतलब और नहीं मतलब प्रोटीन का सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर का स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारा फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, तो ये सभी आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। क्या क्या? एच बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, तो मान लेते हैं कि आपके पास मतलब जो पॉलीपेप्टाइड्स होता है, यानी जो प्रोटीन का चेन होता है, तो पॉलीपेप्टाइड्स मतलब मान लेते हैं कि आपके पास दो तीन चेन है, एक चेन यहाँ पे है, एक चेन ऐसा है, एक चेन ऐसा है। तो जब मोर देन दो चेन इंटरेक्ट करेगा, मोर देन वन चेन इंटरेक्ट करेगा आपस में, तो इससे इंटरेक्शन से जो 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 स्वेप अडॉप्ट करता है उसको बोलते हैं क्वार्टनरी,
यानी जब भी स्पेस में मोर देन वन चेन इंटरेक्ट करेगा आपस में और शेप को जो अडॉप्ट करेगा उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है तो अब ध्यान दोगे, तो क्वाटरनरी का मतलब सिंपल होता है कि जब भी, तो यहां लिखा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब इन दो जो एक जो मोर देन वन चेन जो होता है उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, उसको बोला गया है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। उसको बोला गया है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, यानी जब भी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर प्रोटीन बनता है तो उनका आपस में जो रिलेटिव ओरिएंटेशन होता है स्पेस में उसको बोला गया है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन आने का जब हाई चांस होता है, बट ये टॉपिक बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड में इस बार तो आपका सिलेबस से बाहर का चीज है ये। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझने का कोशिश किया गया है, आपको एक फिगर के आपको स्केमेटिक डायग्राम यूज करके ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, ठीक है, टर्शरी और ये क्वार्टरली, बस समझाने का कोशिश किया गया आपको। ठीक है, अब होता है एक टॉपिक होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी तुम प्रोटीन को फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर का चेंज या फिर केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच। ठीक है, तो जब भी हम टेम्परेचर का चेंज करते हैं या फिर पीएच का चेंज करते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। इसके कारण क्या होता है, इसका जो ग्लोबुल्स है यानी जो गोल जो स्पेकल से बना होता है वो अनफोल्ड होता है, और जो हेलिक्स है, हेलिक्स क्या होता है वो अनकॉइल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, प्रोटीन अपना एक्टिविटी को लूज कर देता है, मतलब प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है आपका फिजिकल या केमिकल चेंज जिसके कारण प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, उसको बोलते हैं लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन प्रोटीन जो होता है वो क्यों होता है जी, तो या तो पीएच चेंज करेंगे या तो टेम्परेचर चेंज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के लिए। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ये डिस्टर्ब होता है। ठीक है, यानी जब भी हम डीनेचुरेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का, तो प्रोटीन का अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है तो उसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, तो सब प्राइमरी सेकेंडरी सॉरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ओनली सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि जो प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बस में ये था डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि अगर हम पीएच चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा, इसके कारण उसका सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, इसके कारण प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। ठीक है, बात समझ में आप लोग को, ये था ऑल अबाउट प्रोटीन, ये था ऑल अबाउट प्रोटीन। अब ध्यान देना, इसी में टॉपिक में टर्म आता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में हम लोग कवर कर चुके हैं कहाँ, सरफेस केमिस्ट्री में, तो वहाँ बेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ रिफर कर लेना एक बार, बस यहाँ पे हमको बस बता दे रहे हैं एंजाइम्स जो बेसिकली क्या है, ये है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ लिखा हुआ कुछ पॉइंट्स जिसको आप नोट कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर
ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। बाकी आपको हम पहले ही बता चुके सरफेस केमिस्ट्री में कि एंजाइम जो होता है लॉक एंड की मॉडल पे काम करता है। आप लोग पढ़े होंगे लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, कहाँ पे? सरफेस केमिस्ट्री में। तो वहां पे दोबारा इसको रिकैप कर लेना। जो तो मैकेनिज्म जो एंजाइम एक्शन होता है ये बेसिकली लॉक एंड की मॉडल पे होता है, ठीक है। तो वहां पे सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से दिया हुआ है आपका, उसको एक बार वहां से स्टडी कर लेना इसको, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट एंजाइम्स, ये रहेगा ऑल अबाउट एंजाइम्स, ठीक है।